हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के। आज के इस लेक्चर में हमें एक और बहुत अच्छा टेक्निकल न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। तो देखो, इस न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर दी सरफेस ऑफ अर्थ जी है। मान लो ये छत है, इस छत से एक वेरी स्मॉल आइडियल पुली कनेक्टेड है, वेरी स्मॉल आइडियल पुली, ठीक है। आइडियल पुली की विशेषता क्या होती है, मासलेस होती है और स्मूथ। और इसको मैंने वेरी स्मॉल क्यों माना है, इस आइडियल पुली को, वो अभी पता चलेगा। यहां पे मैंने एक चेन लटका दी, ठीक है, इस आइडियल पुली के ऊपर से होती हुई एक कंप्लीट चेन लटका दी, ठीक है, कि चेन के इस पोर्शन की लंबाई क्या है L, और चेन के इस पोर्शन की लंबाई है 2L, और ये क्या है, यूनिफॉर्म चेन है, क्योंकि ये वेरी स्मॉल आइडियल पुली है। तो जो इस यूनिफॉर्म चेन का ये पोर्शन होगा ना ओवर दिस वेरी स्मॉल आइडियल पुली, इसको मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं, तो इस पूरी चेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, L प्लस 2L 3L। तो मेरी एक कंप्लीट चेन है, यूनिफॉर्म चेन, जिसकी टोटल लेंथ वो क्या होगी, L प्लस 2L 3L, और मान लो इस चेन का टोटल मास वो क्या है, M, ठीक है। और मान लो मैंने इस चेन को इस पोजीशन से रिलीज कर दिया, रेस्ट से रिलीज कर दिया, ऐसे छोड़ दिया, रिलीज्ड। तो जब चेन इस पोजीशन पे होगी तो चेन का ये पोर्शन रेस्ट पे होगा, ये पोर्शन भी रेस्ट पे होगा, ठीक है। चेन के इस पोर्शन का मास वो कितना आ जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ 3L इनटू में लेंथ L, तो चेन के इस पोर्शन का मास कितना आ गया, m बाय 3। तो चेन के इस पोर्शन का मास कितना हो जाएगा, 2m/3, ठीक है। तो देखो, चेन के इस पोर्शन का ये मास m/3, यहां पे चेन के इस पोर्शन के सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेट करेगा, चेन के इस पोर्शन का मास 2m/3, चेन के पोर्शन के यहां पे सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेट करेगा। तो जब चेन इस पोजीशन पे होगी, मतलब मैं इसको रिलीज्ड कर दूंगा, इस पोजीशन पे इस पूरी चेन का सेंटर ऑफ मास इस लाइन ज्वाइनिंग पे आएगा कुछ यहां पे, किसके नजदीक आएगा, 2m/3 के नजदीक, क्योंकि 2m/3 m/3 से ज्यादा है, और ये सेंटर ऑफ मास यहां पे रेस्ट पे भी होगा जब मैंने इस चेन को रिलीज किया है फ्रॉम रेस्ट। तो अब देखो, चेन का ये पोर्शन ज्यादा है, ये पोर्शन कम है, और ये आइडियल पुली है, आइडियल पुली स्मूथ भी होती है। तो जैसे मैं इसको रेस्ट रिलीज करूंगा तो ये चेन ऐसे फिसलेगी, चेन का ये पोर्शन कम होता जाएगा, ये पोर्शन बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो जब ये चेन ओवर दिस वेरी स्मॉल आइडियल पुली एक्स फिसल चुकी होगी, व्हेन चेन स्लिप्ड बाय एक्स, तो देखो इस चेन के सूरत हालात कुछ ऐसे बनेंगे, तो चेन के इस पोर्शन की लंबाई घटकर क्या हो जाएगी, L माइनस एक्स, ठीक है, और चेन के इस पोर्शन की लंबाई बढ़कर क्या हो जाएगी, 2L प्लस एक्स, सही है, ठीक है। इस पोर्शन की लंबाई L माइनस एक्स, इस पोर्शन की लंबाई 2L प्लस एक्स, ठीक है। चेन के इस पोर्शन का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, चेन के इस पोर्शन का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आएगा, तो इस कंप्लीट चेन के, इस कंप्लीट चेन का सेंटर ऑफ मास इस लाइन ज्वाइनिंग पे आएगा कुछ यहाँ पे, ठीक है, किसके नजदीक है, हैवियर मास के नजदीक, ठीक है। तो मान लो चेन के इस पोर्शन का मास m1 होगा, वो कितना आ जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ इनटू में दिस लेंथ L माइनस एक्स, चेन के इस पोर्शन का मास
M2, मान लो M2 होगा, वो क्या जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ इनटू में 12 प्लस एक्स, ठीक है। तो जब चेन ओवर दिस वेरी स्मॉल आइडियल पुली एक्स फिसल चुकी होगी, मतलब कुछ इस पोजीशन में होगी, तो इस कंप्लीट चेन के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। इसके लिए चार ऑप्शन गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन में देखो क्या गिवन है, -g/9 इंटू में 1 + 2x/l का होल स्क्वायर जे कैप। बी ऑप्शन में -g/9 1 + 3x/l का स्क्वायर जे कैप। सी ऑप्शन में -g/9 1 + 4x/l का होल स्क्वायर जे कैप। डी ऑप्शन में -g/9 1 + 5x/l का स्क्वायर जे कैप, ठीक है। अब देखो जब चेन है ना, इस वेरी स्मॉल आइडियल पुली से कितना स्लिप होगी, होगी एक्स, तो इससे कंप्लीट चेन की पोजीशन कुछ ऐसी होगी, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, ये चार ऑप्शन गिवन है। तो इस पूरे सिस्टम को मैं देखो किसके इक्विवेलेंट मान सकता हूं, एटवुड मशीन के, कि इस तरफ कितना मास लटका हुआ है M1 और इस तरफ M2, ऑब्वियसली M2 M1 से ज्यादा है, तो M1 मास का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ a होगा, M2 मास का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a होगा। इस पूरे को मैं इसके इक्विवेलेंट मान सकता हूं, ठीक है, बिल्कुल। तो एटवुड मशीन के फॉर्मूले से a की वैल्यू देखो कितनी आएगी, M2 - M1 / M1 + M2 × g, यही तो होती है। तो देखो a की वैल्यू क्या आ गई, M2 - M1, तो M/3L को कॉमन ले लो, ठीक है, तो 2L - LL, x + x 2x इंटू में g डिवाइडेड बाय M1 + M2। M1 + M2 इस चेन का पूरा मास हो जाएगा जो कि m के बराबर होगा, तो m से m कैंसल, ठीक है। तो इस g को यहां पे लिख लो, तो a की वैल्यू आ गई g/3l इंटू में l + 2x। तो देखो इस पूरे को मैं इसके इक्विवेलेंट मान रहा हूं ना, तो इस पोजीशन पे इस पूरी चेन के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन किसके बराबर आएगा, m1 a j कैप यूजिंग फॉर्मूला प्लस m2 a2 मतलब माइनस a j कैप डिवाइडेड बाय M1 + M2। M1 + M2 तो M ही होना है, ठीक है। तो अब केवल वैल्यूज पुट करनी है, A की ये वैल्यू पुट करनी है, M1 की ये और M2 की ये यहां पे। तो देखो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ गया, M1 m/3l l - x इंटू में a क्या आया है, ये g/3l l + 2x और j कैप, ठीक है, प्लस m2 ये है m/3l 2l + x इंटू में -a, तो माइनस को तो आगे ले आता हूं, और a क्या है, g/3l l + 2x और j कैप डिवाइडेड बाय M1 + M2 जो कि M, तो M से M खत्म हो गया, ठीक है, हर जगह पे, दोनों जगह पे, ठीक है। तो देखो केवल कैलकुलेशन बची हुई है, तो यहां पे क्या कॉमन ले लो, g/9l² इंटू में l + 2x ये कॉमन ले लो और साथ में j कैप, तो यहां पे क्या बचा, l - x और यहां पे -2l - x j कैप। तो देखो l - 2l - l
माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस टू एक्स, तो ये आ गया माइनस एल माइनस टू एक्स, तो ये माइनस साइन को बाहर ले गया तो ये प्लस बच गया, तो एल प्लस टू एक्स इंटू में एल प्लस टू एक्स, एल प्लस टू एक्स का स्केयर हो गया, ठीक है, और साथ में ये जे कैप, ठीक है। तो एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास देखो कितना आया, माइनस जी बाय में नाइन एल प्लस टू एक्स बाय में थ्री का स्क्वायर, सॉरी यहां पे एल आएगा, इस एल स्क्वायर को अंदर ले गया, ठीक है, और जे कैप, तो ये कितना आ गया माइनस जी बाय में नाइन, एल से एल खत्म, तो वन प्लस टू एक्स बाय में एल स्क्वायर जे कैप, तो ये मेरा आंसर हो गया। तो ये देखो कौन से ऑप्शन से मैच करता है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस कंप्लीट चेन एट दिस पोजीशन, वो कितना आया माइनस जी बाय में नाइन इंटू में वन प्लस टू एक्स बाय एल का होल स्क्वायर जे कैप, ए ऑप्शन से मैच करता है, हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। तो देखो जब मैंने इस चेन को रेस्ट से रिलीज किया था इस पोजीशन पे, तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे था, तो ये चेन फिसलेगी, चेन के इस पोर्शन की लंबाई बढ़ती जाएगी, इस पोर्शन की लंबाई घटती जाएगी, मतलब टाइम के साथ एक्स बढ़ता जाएगा लगातार, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की डायरेक्शन वो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में आई है, क्योंकि माइनस जे कैप, और वो भी टाइम के साथ बढ़ेगा, क्योंकि ये चेन जैसे फिसलती जाएगी एक्स बढ़ता जाएगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी टाइम के साथ बढ़ेगा, तो सेंटर ऑफ मास वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में रेस्ट से एक्सेलरेट करेगा, और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्स के बढ़ने के साथ साथ बढ़ेगा ही, ठीक है। तो एक एडिशनल चीज ये भी आ गई, सेंटर ऑफ मास विल एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट इन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन वो भी टाइम के साथ बढ़ेगा, क्योंकि टाइम के साथ एक्स बढ़ेगा ना, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल इंक्रीजेस, ठीक है। तो जब चेन इस वेरी स्मॉल आइडियल पुली से एक्स फिसल चुकी होती है, मतलब जब चेन इस कुछ इस सूरत हालात में होती है, इस पोजीशन पे होती है, तो इस कंप्लीट चेन के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना था वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, और वो कितना आया माइनस जी बाय में नाइन इंटू में वन प्लस टू एक्स बाय एल का स्क्वायर जे कैप, इस पोजीशन पे जब चेन कितना फिसल चुकी होती है एक्स, तो चेन तो और फिसलती जाएगी तो एक्स बढ़ता जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन तो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही रहेगा, और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन टाइम के साथ बढ़ेगा, क्योंकि टाइम के साथ एक्स बढ़ेगा, ठीक है। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।